नमस्कार। आज मैं आपको हरड़ के गुणों के बारे में बताऊंगा। हरड़ की वैसे तो 7 जातियाँ पाई जाती हैं, मगर हम ज़्यादातर 2 ही जाति का प्रयोग करते हैं, जो पीली हरड़ होती है, जो छोटी हरड़ होती है। पीली हरड़ को हम कावली हरड़ बोलते हैं, छोटी हरड़ को हम सिवा हरड़ बोलते हैं। इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं कि हमारे शरीर के तीनों दोष को बिल्कुल ठीक रखता है। अगर आपका तीनों दोष में से कोई दोष बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करेगा। मतलब ये है कि आप किसी भी बीमारी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, जिसे वात पित्त कफ बोला जाता है। अगर ये 1 बढ़ा हुआ है या 2 बढ़ा हुआ है या 3 बढ़े हुए हैं, आप उन 3 में भी दे सकते हैं, 1 में भी दे सकते हैं और 2 बढ़े हैं उनमें भी दे सकते हैं। इसमें 5 रस पाए जाते हैं। हमारे शरीर में निरोग रखने के लिए 6 रस की ज़रूरत होती है। मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो इसमें लवण छोड़ के बाकी सारे रस पाए जाते हैं, जिससे हमारा शरीर निरोग रह सके। हमारे पुराने जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने तो हरड़ का इस्तेमाल सुबह उठते थे तब करते थे और रात को सोते समय करते थे। पूरे दिन में कुछ भी खाया पिया उल्टा सीधा सब हजम हो जाता था, हमेशा शरीर निरोग रहता था और एकदम लंबे रहते थे, हमेशा फिट रहते थे। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे, हर 2 महीने में ऋतु चेंज होती है, उसके अनुसार हरड़ का इस्तेमाल करते थे। जैसे जनवरी से फरवरी तक वो करते थे मग पीपल के साथ, मार्च से लेके अप्रैल तक करते थे शहद के साथ, और मई से लेके जून तक करते थे गुड़ के साथ, जुलाई से सितंबर तक करते थे सेंधा नमक के साथ, अक्टूबर से नवंबर तक करते थे देसी खांड के साथ, और दिसंबर से जनवरी तक करते थे सौंठ के साथ। इतना यानी कि उन्होंने हरड़ का इस्तेमाल करा, इतना उन्होंने देखा कि इसमें इतने गुण पाए जाते हैं, वो हमेशा इसका इस्तेमाल करते थे। तो अब मैं इनके गुणों के बारे में बता देता हूँ। जिसके बाल झड़ते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिनकी याददाश्त शक्ति कमज़ोर है, जिनकी नज़र कमज़ोर है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं कि आँखों की रोशनी बढ़ाता है, और इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे कि हमें दिमाग की नसों को ताकत मिलती है, खुश्की वगैरह ख़त्म हो जाती है। जो टेंशन ग्रस्त रहते हैं, जो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, जी नींद नहीं आती, नींद की दवाइयाँ खाते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें रसायन गुण पाए जाते हैं, जैसे हम तरह तरह के मल्टी विटामिन के कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आयुर्वेद में रसायन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बुढ़ापे में हमें बुढ़ापे से होने वाली बीमारियां तंग ना करें। जैसे वात प्रकोप हो जाता है बुढ़ापे में, तो शरीर में दर्द वगैरह, शरीर में झुड़ियां पड़ने लग जाना, डल होने लग जाना चेहरा, और उम्र ज़्यादा झलकने लग जाती है, शरीर में तरह तरह की बीमारियां, उन सब चीज़ों को रोकथाम के लिए हरड़ का इस्तेमाल करते थे। ये वीर्यवर्धक है, जिसकी वजह से शुक्राणु जो है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है और शीघ्र पतन और नामर्दी की बीमारी ख़त्म करता है। जिनको कब्ज की शिकायत रहती है उनके लिए तो ये रामबाण औषधि है। इससे आंतड़ियाँ बिल्कुल साफ रहती है, पेट हमेशा साफ रहता है, कभी बवासीर की बीमारी, कभी कब्ज की बीमारी, कभी भगंदर की बीमारी तंग नहीं करती, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये शरीर की धातुओं को भी पुष्ट करता है। शरीर में हमारी 7 धातुएं होती हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातुओं को पुष्टि करता है, ताकत देता है। उसके बाद जो 8वीं धातु होती है ओज, जिसे शाइनिंग कहते हैं, तब जाके जिसे नूर भी कह लेते हैं, तब वो चेहरे पे झलकती है। इसको जिनको खांसी, जुकाम, छींके, एलर्जी तंग करती है, किसी को धूल से, किसी को धुएं से, किसी को पराग कण से, किसी को जानवरों के बाल से एलर्जी होती है, शरीर का इम्यून पावर कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से परेशानी तंग करती है, तो इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं कि कफ को, फेफड़ों में जो कफ होता है उसको पिघला के ख़त्म कर देता है, और ये इम्यून पावर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से एलर्जी जड़ से ख़त्म हो जाती है। जिनको पेशाब बार बार आता है, पेशाब ज़्यादा मात्रा में आता है, हमारी देसी भाषा में उसे कहते हैं प्रमेह रोग है, जिसे सब ये कहते हैं मसाने कमज़ोर हैं, पेशाब की थैली कमज़ोर है, गुर्दे कमज़ोर हैं, या जिनको शुगर की शिकायत है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अग्नाशय को, जिसकी वजह से शुगर होती है, अग्नाशय हमारा ठीक ढंग से काम नहीं करता तो इंसुलिन कम बनता है, जिसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, जिनका गुड कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ना या हार्ट में ब्लॉकेज होना, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हरड़ का इस्तेमाल करने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से बीपी नॉर्मल रहता है और हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह ख़त्म हो जाती है। जिनको खारिश खुजली तंग करती है, फोड़े फुंसी तंग करते हैं, बार बार पिंपल्स निकलते रहते हैं, झाइयाँ झुरियाँ तंग करती है, इसमें रक्त शोधक गुण पाए जाते हैं। चाहे वो हार्मोन्स की वजह से आपको परेशानी आ रही है, चाहे वो खून खराबी की वजह से परेशानी आ रही है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
जिनको नाक से, मुंह से, मूत्र मार्ग से या गुदा मार्ग से खून आता है, जिसे हम रक्तपित्त भी बोलते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हरड़ का इस्तेमाल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये खून को ठंडा रखता है और किसी तरह से ब्लीडिंग वगैरह जो ज़रूरत नहीं है जिस ब्लीडिंग की, उसको बिल्कुल ठीक करता है। जिनके पेट में कीड़े की शिकायत है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पेट के कीड़े वगैरह नहीं होने देता। चाहे आप कितना ही मीठा खाएँ, चाहे तला फला कितना भी खाएँ, कब्ज़ की बीमारी होने ही नहीं देगा। और पेट में कीड़े जो होंगे उन, क्योंकि ये कड़वा भी होता है तो खून में को साफ करता है, कीड़ों को ख़त्म करता है, इसलिए पेट में कीड़े भी नहीं होते इससे। जिनके गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं या गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से शरीर में, पैरों में सूजन रहने लग जाती है, उनके लिए हरड़ का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको ज़्यादा पेट में गैस बनती है, खाना पचता नहीं है, तेजाब गैस, खट्टी डकारे वगैरह आती है, जीरण की शिकायत है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हरड़ का इस्तेमाल करने से पेट में गैस नहीं बनती, पेट में गांठ, यहाँ तक कि आंतड़ियों के ट्यूमर को भी ख़त्म करता है। जिनको आंतड़ियों का कैंसर है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको विषम ज्वर बोलते हैं या हड्डियों में रुका हुआ बुखार बोलते हैं, बहुत पुराना जीरण ज्वर भी बोलते हैं इसको, कि भी म्यादी बुखार आपका हड्डियों में, नसों में, खून में, पेट में रुक गया है, तो उसकी वजह से आपका पेट, शरीर ठीक नहीं रहता, उनके लिए बार बहुत फ़ायदेमंद है हरड़ का इस्तेमाल करने से। ये बीमारी धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है और बुखार निकल के ख़त्म हो जाता है, हमेशा ठीक रहते हैं। जिनको एनीमिया की शिकायत है, शरीर में खून नहीं बनता है, खून की कमी है, जिनको पीलिया हो जाता है, जिनको लीवर इन्फेक्शन रहता है, या जिनको काला पीलिया भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हरड़ का इस्तेमाल करने से लीवर की सूजन ख़त्म हो जाती है, जिससे काला पीलिया ख़त्म हो जाता है। अगर लीवर बढ़ जाता है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कई बार कुनाइन की दवाई खाते हैं, मलेरिया की दवाई खाते हैं, जिसकी वजह से लीवर की तिल्ली बढ़ जाती है, तो उनके लिए भी इसका इस्तेमाल, हरड़ का इस्तेमाल करने से लीवर की तिल्ली भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिनको पेट में गर्मी के कारण हमेशा मुँह में छाले रहते हैं, मसूड़ों में सूजन के करके पायलिया की शिकायत तंग करती है, या मुंह से बदबू आती है, उनके लिए हरड़ का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि पायलिया के मंजन में भी, या मान लीजिए दो दांतों का मंजन बनता है, उसमें भी हरड़ का पाउडर जरूर डाला जाता है, ताकि ये पायलिया की बीमारी ना होने दे, दांतों में कीड़ा वगैरह ना लगने दे। और जिनके मुँह में छाले बने रहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब मैं इसका बाहरी उपयोग बता देता हूँ। जब भी कभी कहीं भी फोड़ा फुंसी हो जाए आपको, तो हरड़ का पाउडर देसी घी में मिला के उस पर लगाएं, कैसे से कैसा फोड़ा फुंसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो इसका बाहरी उपयोग है। अब मैं इसकी तासीर बता देता हूँ। इसकी तासीर हल्की गर्म होती है और खुश्क होती है। अब मैं इसकी मात्रा बता देता हूँ। इसकी मात्रा आधा से एक चम्मच आप ले सकते हैं, जिसे 2 से 5 ग्राम बोला जाता है, सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अब इसका उपयोग कैसे करना है वो बता देता हूँ। कुछ लोग इसे ला के पीस के पाउडर बना के एक चम्मच सुबह शाम खा लेते हैं, मगर कुछ लोग इसे पाउडर फॉर्म में नहीं खा सकते। वो इसके पाउडर को, एक चम्मच पाउडर को 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबाले, जब आधा कप पानी बच जाए तो उस पानी को छान के उसमें ज़रूरत अनुसार कुछ मीठा मिला के, चाहे देसी खांड या गुड़, जो भी आपको ठीक लगे, या मिश्री जो भी ठीक लगे, इसमें से कोई एक चीज़ मिला के आप इसका इस्तेमाल सुबह शाम काढ़े के रूप में कर सकते हैं। और अब इसके नुकसान बता देता हूँ। क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए पित्त प्रकृति वाले लोग इसको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में मत लें। कई जने क्या करते हैं, 1 चम्मच की बजाय 2 चम्मच 3 चम्मच लेते हैं, तो उसमें और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, एक आधा दस्त फालतू आता है। और दूसरा क्या नुकसान है, जो गर्भवती महिलाएँ हैं वो हरड़ का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। या जो महिलाएँ बच्चों को दुग्धपान कराती हैं, दूध पिलाती हैं, वो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये दूध को सुखाता है, इसलिए हरड़ का इस्तेमाल मत करें। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।